गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? हम भी अच्छे ही हैं। तो क्लास 12 मैथ चैप्टर 01 और पार्ट 3 एपिसोड नंबर 03 इंग्लिश मीडियम। तो आज लिख आए हैं 12th क्लास के चैप्टर 1 पार्ट 3। तो सबसे पहले पता है ना कि इसमें क्या क्या डिस्कशन करेंगे? यह डिस्कशन के बारे में सबसे पहले तुम्हें पता होगा। तो सबसे पहले तुमको सिखाएंगे कंपोज करना, यानी कंपोजिट फंक्शन, कैसे कंपोज किया जाता है। और कंपोज जब करोगे तो बनेगा इनवर्टाइल फंक्शन। इनवर्टाइल फंक्शन बनेगा। इनवर्टाइल फंक्शन बनने के लिए फंक्शन को 1 1 और साथ में अन2 होना जरूरी। और एनसीईआरटी का किताब की हम बात करेंगे तो 1.3 बन जाएगा। आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं, माता सरस्वती के आशीर्वाद से हमें बुक सब लाइन बाय लाइन याद है और आपको हम अभी डिस्प्ले करेंगे। यानी हम लोग के पास 4 मुद्दा है। कंपोज कैसे करें? कंपोज का पर्यायवाची वर्ब ट्रांजिटिव भी होता है। ट्रांजिटिव कहने का सेंस कि अब तो पूरा मैकेनिकल युग हो गया है। पहले जो छत वगैरह ढलाता था तो एक मजदूर वहां तक नहीं पहुंचा पाता था, तो उसमें 3 4 मजदूर लगते थे, 3 4 लेबर रहते थे। पहला लेबर का काम यहां से यहां तक ले जाना, अगले वाले को वहां से आगे और उसके फिर आगे। यानी अगर यह चीज तो खत्म हो गया, लेकिन अभी नहीं खत्म हुआ है। पता है क्या? उसका नाम है भया। यह आपका खत्म नहीं हुआ है। जैसे तेरे को जाना है पटना से हटिया, क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं, पटना से हटिया जाना है। अब इसके लिए तुमको ट्रेन वाले में भैया का बात जानकारी होना चाहिए। तो एक रूट है, रूट नंबर 1, वो है पटना से पहले गया और गया के बाद गोमो और गोमो के बाद हटिया। ये पहला रूट हुआ। यानी इसका भैया जो है ना वो गया और घूमो है। यानी पटना से पहले गया जाओगे, गया से गोमो जाओगे और गोमो से हटिया जाओगे। यही अगर रूट नंबर 2 की हम बात करें तो हटिया तो जाओगे, पटना से तुमको पहले जैसे डी से धनबाद और धनबाद से गोमो और गोमो से हटिया। ये रूट नंबर 2। यानी उनको यहां पर कंपोजिट की अगर हम बात करें तो पहला भाग जो काम कर रहा है वो पटना से गया, दूसरा जो काम कर रहा है वो गया से गोमो और तीसरा में गोमो से हटिया। अच्छा तू लोग सोच यार, मान ले कि तुम्हारे बैग में कुछ सामान है, पटना से स्टार्ट किया
पटना तुम्हारा इनिशियल हुआ, गया में गाड़ी रुकी, वह टर्मिनेट हुआ। क्या वहां पर गया में कुछ अपना सामान हटा लोगे? नहीं ना। यानी इसका यानी रेंज नेक्स्ट वाले के डोमेन के बराबर होना चाहिए। यानी कंपोजिट तभी होगा, कंपोजिट तभी होगा जब इसका रेंज उसके डोमेन के बराबर हो। यानी कंपोज करने का तरीका यही 12th में तुम लोग को जब हम मैट्रिसेस सिखाऊंगा, मल्टीप्लाई के केस में भी यही काम होता है। इसका कॉलम उसके रो से मल्टीप्लाई करता है, यहां पर ठीक वैसा ही इसका जो रेंज है उसके डोमेन में कॉमन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब यह कंपोजिट होगा। अब मान ली खूब तगड़कर आदमी हो इनिशियल में, और वो ले गया एक टन तो ले नहीं जा सकता, क्विंटल की बात है, एक क्विंटल। अब अगला वाला जो उसका जो आदमी है ना वो कमजोर है, वो 85 किलो ढो सकता है, तो ये कंपोजिट नहीं होगा। क्योंकि कंपोजिट में ये भी रूल है कि इसके माथा से उसके माथा पर जाना चाहिए। हम कहा के बोरा निकालो, अब 1 क्विंटल के चार दो भाग में करो, कहीं हमारे पास ताकत ना हो, 50 केजी ही ले जा सकते हैं, तो यह कंपोजिट नहीं। ये तुमको हमने सिखाया इन्वायरमेंटल्स में। अब मैथ्स में चलते हो कि देखो कंपोजिट कैसे होता है, और हम लोग का जो टारगेट है एक्सरसाइज 1.3 और कंपोजिट फंक्शन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आए ये वीडियो देखने के बाद सबसे बन जाए, तो आप लोग बने हुए रहिए। ये जो चैनल आप देख रहे हैं ना ये क्रिएटर सुपर थर्टी है, यहाँ की जितने भी फैमिली के मेंबर हैं वो सब क्रिएटर है। यानी अगर आपका ये 40 मिनट का वीडियो है तो देखिए हम आपको 35 मिनट पढ़ाऊंगा और 5 मिनट में क्वेश्चन क्रिएट कर दूंगा, और बता दूंगा कि देखो ये एनसीईआरटी में भी हो सकता है या जो भी ऑथर की बात करो वह उसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो कंपोजिट का इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया है। इन्वर्टाइल की अगर हम बात करें तो मोबाइल बंद करो यार, सभी लोग अपना अपना मोबाइल को बंद कर दीजिए, उठना है उठिए, ऐसे उठने का सही टाइम। छठे पहर जो 3 बजे से 6 बजे तक होती है, इसी पहर को सही टाइम दिया गया है उठने का, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, थोड़ा सा पेन चेंज करना पड़ेगा। बजरंगबली हमारे आराध्य देव, रेड लिखना ज्यादा उचित। तो अब हम बात करेंगे कर ही रहे ना। अब कंपोजिट की हम बात करेंगे, आइए कुछ फंक्शन लेते हैं। तो यहां पर कंपोजिट कितने टाइप से हो सकता है यह सोचना जरूरी है। अब मान लिया जाए कि दो फंक्शन है किसी के पास, देखो इंजॉय कर रहे हैं यार, टेंशन ले लोगे मैथ में समझने में दिक्कत होगा,
एक के पास फंक्शन एक्स है और दूसरे के पास जी एक्स है। अब यहां क्या क्या कर सकता है? पहला कर सकता है फॉ और दूसरा कर सकता है गॉफ, तीसरा कर सकता है फूक और चौथा कर सकता है गॉफ। इसके अलावा भी कर सकता है क्या? जवाब होगा नहीं सर। देखो फॉग का मतलब क्या है ये बात जानना जरूरी है। तो तुम ऐसे सोचोगे कि एफ जा रहा है जी के पास, एक गलत, जी कम्स टू एफ। मैं रहीम का एक यहां पर छुड़ाना चाहूंगा, वो है जानते ही होंगे कि गरीब आदमी अमीर आदमी को चाहता है, अमीर आदमी गरीब आदमी को नहीं चाहता है, और जिस दिन अमीर आदमी गरीब आदमी को चाहने लगे वो भगवान के समान है। जैसे इसी पर हमारे रहीम जी लिखे हैं, दीन शमन को लाखत है, दिन ही लखे न कोई, जो गरीब दिन ही लखे, दिन बंधु सब कोई। यानी अगर फॉग है तो आपको लग रहा है कि एफ जा रहा है जी के पास, नहीं, जी आ रहा है एफ के पास। अब बताओ गॉफ के मतलब तो आप तो समझ ही गए होंगे कि एफ आ रहा है जी के पास, फॉप तो फॉप है, फंक्शन ही फंक्शन में आ रहा है। अब तो कहेंगे कि सर आपने एक बड़े यहां पर न डाला, वो बट को आपने डाला इन्वर्टाइल। हाँ मैंने डाला, क्योंकि इसी से इन्वर्टाइल में डिफाइन करूंगा। अगर कोई कंपोजिट करने पर इनवर्स का डिफिनेशन क्या होता? आपने सिक्स क्लास में पढ़ा, सेवन क्लास में पढ़ा, एट क्लास में, नाइन क्लास में, टेंथ में, फिर इनवर्स का पढ़ना पड़ेगा। अरे इनवर्स दो टाइप के होते हैं ना, एक एडिटिव इनवर्स होते हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। लेकिन उसके डिफिनेशन में आपने क्या पढ़ा? डिफिनेशन में पढ़ा कि अगर सर ऑपरेशन करोगे रिजल्ट हर केस में आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी आएगा। यहां पर भी देखो, यानी फॉग किया तब भी आइडेंटिटी आ जाए और गॉफ किया तब भी आइडेंटिटी आ जाए, समझो कि इन्वर्टाइल हो गया, एक दूसरे का फंसा इन्वर्टाइल हो गया। यानी फॉग और गॉफ की हम बात करें, यानी इन्वर्टाइल के डिफिनेशन समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं। फॉग और गॉफ का रिजल्ट आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी हो तो एफ का इन्वर्स जी हो जाएगा और जी का इन्वर्स एफ हो जाएगा। आइए हम लोग कुछ करते हैं, पहले काम फिर बातचीत करते रहेंगे। हम तो आपके लिए ही हैं, हमेशा आपके साथ। जब भी मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर नया वीडियो बन जाएगा। चाहे मैथ्स फाइव क्लास की बात करो, एमएससी तक बात करो, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज को एक बार कमेंट कर दीजिए, उस पर वीडियो लेके मैं आ जाऊं। लेकिन मैं पहले कमेंट देख लूंगा, तो जिस दिन कमेंट देख लूंगा उस दिन ही कोशिश करूंगा कि आपका उस पर वीडियो हम डाल दें। चूंकि तो अब हम बात करते हैं, मुद्दे पर बात हो रही थी और ये भी बात हुआ कि हम लोग को 40 मिनट से 1 सेकंड भी पार नहीं करना है, 35 मिनट में डिफिनेशन को कर देना है और समझाने के लिए आपसे बातचीत भी करते रहना है। ये इनवर्स का गांठ मान लो कि अगर दो फंक्शन में, दो डेटा में अगर ऑपरेशन हो और ऑपरेशन का रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए तो एक दूसरे का इनवर्स होगा। जैसे देखो फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी से समझो,
तू लोग हमेशा बोलते रहता, क्या बोलते रहता, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 M2 का, फिर बोलते ना एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर का, बोलते भी नहीं बोलते, क्यों बोलते हो? अगर तेरे को पूछ दे ना कोई कि दिन का उल्टा क्या होगा, तो उसको बोल देना देखो भाई आइडेंटिटी आइडेंटिटी की बात करोगे तो 0 होता है, तो दिन का उल्टा माइनस दिन हो गया। दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करोगे तो 1 होता है, यानी दिन का उल्टा 1/3 हो गया। समझ में आया? यहाँ इनवर्स लिखने में कोई तरह का दिक्कत नहीं, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्यूब है तो क्यूब रूट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम एनसीईआरटी की अगर हम बात करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 से तुम इसी इन्वर्टाइल पर क्वेश्चन दिया, क्या आशा करते हैं तुम लोग बना लोगे? यार बकबक तो करने की मुझे आदत है। देखो तुम्हारे पास मैं अभी फंक्शन लिखूंगा और कंपोजिट भी करते हम लोग चलेंगे। फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 2x+3 है जी एक्स, ऐसा सोचो ना, ऐसा सोचो कि फॉक करने पर आइडेंटिटी आ जाए, गॉप करने पर क्या आइडेंटिटी आ जाए, तो जानते हो कैसे होगा? ये +3 है ना, तो क्या हो जाएगा? -3। ये मल्टीप्लाई है ना, डिवाइड हो गया। ये क्वेश्चन एग्जांपल ले लो, ले लिया सर जी, और ऊपर डिफाइन कर दो फंक्शन रियल टू रियल के लिए लागू है। बिल्कुल सर जी, डोमेन रेंज की बारे में भी बात करेंगे। अब तो गौर से देख, कराओ इसकी फॉर्म, फॉक करा दिया जी, तो फॉक का मतलब फंक्शन जी एक्स, यानी जहां जहां एक्स है ना वहां वहां जी एक्स रख देंगे, रख दो ना, क्या है 2gx+3। यहां 2 का 2 जी एक्स के जगह पर x-3/2, ये 2 से 2 कट गया, x-3+3 और 3 3 कट गया, देखो आइडेंटिटी मिल गया। अभी मत मानो, मत मानो मेरी बात, क्योंकि हम मना लेंगे और तुम्हें कमेंट कर दोगे कि सर मजा आ गया, और हम मान लिए कि कंपोजिट और इन्वर्टाइल फंक्शन हमें समझ में आ गया, क्योंकि इसके लिए ही तो मैं आया हूं इस फंक्शन को लेके। देखो एक गॉफ है, यानी जी फंक्शन ऑफ एक्स, यहां पर जी फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी फंक्शन एक्स -3/2, और फंक्शन एक्स आपने माना है 2x+3, माना क्या है वो तो दिया हुआ है, 3 3 कट गया और 2 से 2 कट गया, 1 सा गया, यानी फॉग और गॉफ का आइडेंटिटी है, यानी एफ का इनवर्स जी है और जी का इनवर्स एक्स है, यानी पहला लॉजिक क्लियर हो गया। इनवर्स किसी के बारे में करना है? देखो बहुत बच्चा बोलता है सर हिंदी में विलोम शब्द हमें याद नहीं होता, बोले बुर्बाकी में याद करेगा क्या जरूरत, दो ही क्वेश्चन हो भाई, या तो एडिटिव या तो मल्टीप्लिकेटिव, तो बोला क्या कि सोर घोड़ा का उल्टा का होगा, हम ले देख स्त्रीलिंग पुल्लिंग से ना हुआ है। अरे घोड़ा भी ढोने का काम करता है और गधा भी ढोने का काम करता है, और घोड़वा चलता है स्पीड में और गधवा चलता है धीरे, यानी घोड़ा का उल्टा गधा हुआ, और यानी गधा का उल्टा घोड़ा ना हुआ। एक बार बोला जोर शांत के, हम देखो शांत मतलब चुपचाप बैठल है, चुपचाप सुतल है, अब केकरो मोबाइल बचल है तो ना समझ लेगा,
आसान आसान। एक बार एक विद्यार्थी बोला परिमेय संख्या का, हमने बोला परिमेय नहीं अपरिमेय। तो विलोम शब्द तुमको समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं, और यहां इन्वर्टाइल बात रहा डोमेन रेंज का, तो मैंने पढ़ा दिया है कि फंक्शन को रियल होने के लिए एक्स का वैल्यू जो जो चाहिए वह उसका डोमेन कहलाता है, और हम लोग तो आ गया सब लोग को समझ में। अरे कर देंगे इन्वर्टाइल, यस या नो, करोगे कि नहीं करोगे? कर दोगे, अच्छी बात अच्छी बात। तो जानते हो इस एनसीईआरटी किताब में 9 नंबर क्वेश्चन काफी ही खतरनाक, क्या है क्वेश्चन पता है तुम्हें? मैं बताऊं? एनसीईआरटी किताब खोल के देख ले। माता सरस्वती के आशीर्वाद से एनसीईआरटी मैथ्स की बुक याद है, माता का कृपा। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, क्योंकि मैं उनकी अगर कृपा नहीं बना रहा तो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, और जब तक मैं डायरेक्ट तुमको नहीं लिखूंगा तो तुमको कैसे समझ में आएगा? नहीं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है पता? सुन लो, फंक्शन डिफाइन, रियल, यहां 0 लिखा हुआ है, टेंस टू -5 टू इंफिनिटिव फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 9x² 6x -5। इसका निकालना है इन्वर्टाइल फंक्शन। देखो बड़ा आसान है यार, मजा तो उतना ही आसान है। देखो इनवर्स निकालने के लिए सर जी क्या सिखाए हैं कि एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन वाला एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन वाला मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्यूब क्यूब रूट हो जाएगा। यार देखो यार, स्क्वायर है, लगाओ गट्टे की ताकत, करो इसको परफेक्ट में। तुम लोग सोचा होगा कि सर 9th 10th में हम लोग को कंप्लीट स्क्वायर मेथड का है पढ़ाया गया, आज जरूरत है। अरे जो तुम बेसिक पढ़ोगे ना, आज न कल तो जरूरत पड़ेगा ही, तो यहां पर तुम्हारे पास जरूरत है। फंक्शन एक्स तो कंप्लीट स्क्वायर में जो विद्यार्थी नहीं कभी जाने हैं उनको मैं करने का प्रयास। देखो a+b की अगर होल स्क्वायर बात करते हो, ए स्क्वायर 2ab+b² होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ये 9x² है ना, इसको तुम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, -2 × 3x 6x हो गया। ओ इंटू सर 1 भी लिखना पड़ेगा? हम लिख दो लिख दो लिख दो, बड़ा आप खुश होते हैं, नाराज तो कभी रहते ही नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स से इतना हमें प्यार है कि
कि नाराज कभी होने ही नहीं देता। फंक्शन एक्स, आप देखो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, मजा आया क्या? आया नहीं आया तो ठीक है, आ जाएगा। ये आपने सीख गया कि नहीं? आप देखो कंप्लीट स्क्वायर तो हो गया, अब इसको 1 मिनट के लिए वाई मान लो, यानी यहां पर 3x-1 का होल स्क्वायर -5, यानी 3x-1 का होल स्क्वायर इजिकल टू वाई प्लस फाइव। आया बात? बिल्कुल सर। अब देखो यहां स्क्वायर है जी, तो क्या हो जाएगा जी? सर जी रूट हो जाएगा। हम बोले बिल्कुल सही, तो रूट प्लस माइनस में न होगा, तो बोला यस सर। हम बोले देखो यहाँ 3x को देख रहे हो? जी बोला जी सर। देखा कि नहीं देखा? हमने बोला देखा। तो यहाँ 3x ये इधर जाएगा तो +1 ना हो जाएगा? बोले यस सर, ये +1 यहाँ रूट में है, y +5। हम बोला x बराबर फिर क्या देखा? तो बोला सर देख लिया। हम बोले क्या देखा जी? बोला यही इन्वर्टाइल हो गया सर जी। हमने बोला अब भी रुक, इन्वर्टाइल नहीं हुआ। अरे यहां तुमको डोमेन से रेंज जा रहा था, अगर ये वाई को साबित कर दोगे कि रेंज जो है डोमेन के पास जा रहा है, तब नहीं इन्वर्स होगा। आपके माता पिता जी क्यों बुला रहे? स्वार्थ है, बुढ़ारी में सेवा करेगा। अभी आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको फिर हेल्प करना पड़ेगा। हम आपके निस्वार्थ हैं, क्योंकि हम तो आपको जानते नहीं है। तो यहां पर बात करेंगे, अब इसकी रेंज निकालेंगे। एक बार विद्यार्थी बोला सर ये वाला जो वैल्यू है -5, ओ यहां पर देखो गलतियां भी हो गई ना, 5 1 6 हो गए, ये गलतियां सुधारने का प्रयास। और मैं तो जान के ही लिखा था ना कि तुम लोग को यहां पर अब ध्यान आकर्षित करवाएंगे। एक बार विद्यार्थी बोला कि इसको हम बोला लिखो। बोला सर मैं तो लिख दूंगा सर जी। बोले क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे बोल। बोला सर इसकी तो हो जाएगी -6 से इन्फिनिटिव और टेंस टू R0। हम लेकिन इसको समझा बोला सर नहीं समझे हैं, हम समझाए हैं यार जीरो नहीं, यहां स्टिक दिया हुआ है और नीचे जैसे ही प्लस होता है तो इसका उच्चारण होता है नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर का होता है, यानी यहां पर जीरो इंक्लूड होता है दोस्तों, जीरो से इंफिनिटी। एक बार विद्यार्थी बोला -6 रखूंगा। हमने रख, -6 रखा। बोला यस, -6 +6 जीरो हो गया, यहां 1 आ गया, तेरे को लाना है जीरो। बोला सर जी थोड़ा दया दृष्टि कीजिए। हम बोले अरे बुर्बक, वाई की वैल्यू -5 रखो। बोला सर जी रखा, हेलो -5 +6 1 हो गया, 1 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर रूट से निकलेंगे तो माइनस में निकलेंगे, तो 1 1 क्या हो जाएंगे, तेरे को 0 हो जाएंगे यार। बोला यस सर, अब समझ में आ गया। हमने डोमेन ऐसे थोड़ी डिपेंड कर रहा होता है, डोमेन ऐसे थोड़ी डिपेंड कर रहा होता है कि बस रूट वाले को फिर कर देंगे तो हो जाएगा, या तो इसको भी तो फिर करना पड़ेगा ना। तो बोला यस सर। हमने जा नो नंबर तू सीख गया, समझ में आया कि नहीं? तो 9 नंबर आ गया। अब बोल कर रहा सर हम तो क्रिएटर बन गए। हम लिया रुको रुको रुको, क्रिएटर तो था ही पहले से, बस आज एहसास हुआ कि तू वो बन गया। बोला सर हम क्वेश्चन ले सकते हैं? हम लिया ले लो ना। बोला सर इस बुक का 9 नंबर तो आपने बता दिया, तो बताइए नीचे से क्वेश्चन क्या क्या होगा।
में क्या क्या होगा ये समझने में तुमको दिक्कत है? तो बोला यस सर। हमने देख आंख बंद कर, बोला बंद कर लिए, तू सोच रेशनल फंक्शन हो जाए। और रेशनल फंक्शन होने के लिए रामानुजन साहेब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको कहेंगे जीरो मत हो। बोला यस सर। हमने बन गया क्वेश्चन इसी पर होगा। बोला कैसे सर? हमने देखोगे तब तो। हमने जो मन करे लिख दो फंक्शन एक्स इज इक्वल टू, बोला सर 2x+3 मन कर रहा है और x-5। हमने बन गया क्वेश्चन, कौन रुकेगा तुम्हें? अब इसकी डोमेन तू पहले डिफाइन कर ले, रामानुजन के अनुसार 5 नहीं होना चाहिए, तो तुमको लिखना पड़ेगा रियल में ना हो 5। तो बोला सर रेंज तो लिखना सिखाओ। हमने रुक, रेंज कैसे लिख दोगे? इसकी पहले इन्वर्स कर। तो इन्वर्स करने के लिए उन्होंने बोला वाई करता हूं सर, तो बोला 2x+3 और यहाँ x-5। हमने कर दे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y x-5y = 2x+3। एक्स की वैल्यू तेरे को निकालना है। बोला यस सर। हमने निकालो, कौन मना करेगा तुम्हें? तो ये हो गया। हम बोले एक्स कॉमन ले लेगा ना? बोला यस। यहाँ y-2, यहाँ पर 3+5y, यानी x=3+5y (y-2)। हमने बोला वाई भी तो किसी को रोकेगा। बोले यस सर, दो को नहीं होना चाहिए। हमने हो गया मेरे दोस्त। कैसा लगा प्रश्न? भी आपका, आंसर भी आपका, यही लास्ट नंबर क्वेश्चन है। केवल डेटा चेंज कर दिया है। बैठे हुए मत रहो, बैठे हुए मत रहो। बोला सर क्यों? बोले बैठने से क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इस पर तू सोच, लीनियर पर सोचा है तो तू डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ले लेना। बोला सर बोलिएगा तब तो। हम लिख लोगे तब तो ax+b। अब देखो यहां पर रामायण की मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। हुआ क्या दिन, जब रावण पर विजय हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी पा लिए, जब सीता माँ को लाने की बात हुआ तो बोलते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण अग्नि का व्यवस्था करो। बोले क्यों? बोले कि सीता को अग्नि परीक्षा देना होगा। लक्ष्मण जी खिसिया आ गए। बोले सीता को हम अपनी मां मानते हैं, और आपके प्रति ये धनुष उठा सकते हैं। श्री राम जी बड़ा नॉर्मल से बोले, तुम्हें पता नहीं है तुम जब लकड़ी लाने गया था तो मैं सीता जी को अग्निदेव को दे दिया था, और तुम कैसे सोच सकते हो कि सीता गौरवन टच कर सकता है? वो सीता नहीं, सीता की परछाई। यहां पर देखो दृश्य कुछ वैसा ही है। पहले तो पूछो ना क्वेश्चन क्या हो सकता है। बहुत तो बोलता सर को काई याद है। अरे उसका समझो कि वो उसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो वहां पर बात हुआ, तो लक्ष्मण जी बोले हमसे गलती हो गया। राम जी बोले ना तुम तो सही किया, लेकिन तुम नहीं पूछा कि हम अग्नि का व्यवस्था क्यों करवा रहे। वो सीता को वापस लेना है। ये सीन रामायण का बहुत ही अच्छा
चलिए मुद्दे पर भी आते रहते हैं, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है और यहां सी एक्स प्लस डी है, तो डोमेन तो नीचे वाला से काम करेगा, यानी एक्स का वैल्यू नहीं होना चाहिए माइनस डी बाई ए। अब इसको आप वाई मान लेंगे, यहां पर एक्स प्लस बी, यहां सी एक्स प्लस डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाई सी एक्स वाई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। अब ये वाला इधर वाई सी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू बी माइनस वाई डी, एक्स कॉमन वाई सी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस वाई डी। सो एक्स इज इक्वल टू बी माइनस वाई डी बटे वाई सी माइनस ए। यार यहां पर है वाई तो तेरे को रोक दिया यार, वाई की वैल्यू नहीं होना चाहिए ए वाई सी, यानी इस क्वेश्चन की फॉर्म तैयार कर दिया ना, फंक्शन डिफाइन रियल में नहीं होगा माइनस डी बाई ए, टेंस टू रियल में नहीं होगा ए बाई सी, बन गया क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्रिएटर का मतलब आप लोग अब समझ रहे होंगे, उस पर नए नए क्वेश्चन काफी कर दोगे। बोला यस सर, हमले अबे यस सर की बारी नहीं। इसमें एक क्वेश्चन देखना, वो फॉफ रखना है यार, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू कुछ दे दिया है और उसी पर फिर दोबारा रखना है उसकी वैल्यू क्या होगा, तो हम समझते हैं कि वो भी बात को हो जाएगा। अब यहां पर हम ले चलते हैं तुमको थोड़ा सा बीएससी में, क्योंकि जब तक मैं ऊपर क्लास की कंसेप्ट को नहीं देता हूं हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होता है, और वहां कंपोजिशन को कहा जाता है परमुटेशन, और परमुटेशन में नहीं उसका नाम है साइक्लिक परमुटेशन। और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 1 बना देगा, 1 बना देगा 1 बना देगा, और उसका नाम है साइक्लिक परमुटेशन। वहां पर तुम्हें डिफाइन करवाएंगे शवलिंग, अरे शवलिंग का मतलब समझते हो ना, सहोदर शिवलिंग, सॉरी शिवलिंग, सहोदर वहां पर हो जाएगा, एक ही उधर से पैदा होने वाला। तो अब हम लोग साइक्लिक परमुटेशन में करते हैं, और हमारे पास 10 मिनट की टाइम बचे हुए हैं, और वादे के अनुसार मैं पीछे नहीं हटने वाला, उतने मिनट में अगर करना है मतलब करना है, क्योंकि आपको और उसे काम है, किसी से मिलना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, थोड़ा सिनेमा देखना है, सब पर समय, आप हम पर बस 40 मिनट का समय डेली दे दीजिए, और देखिए मैथमेटिक्स को गणित को कैसे आपको समझा देता हूं लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी के पूरी क्वेश्चन, चाहे आर डी शर्मा की बात करें, के सी सिन्हा जी की बात करें, आर एस अग्रवाल जी की बात करें, या जो भी स्टेट में है वहां पर जो फेमस ऑथर है, आपका एक भी अगर क्वेश्चन छूटता है, यानी बनाने में दिक्कत होती है, यानी हमें और कुछ अपग्रेड करना पड़े, यानी हमने अच्छा से मेहनत नहीं की, क्योंकि आपकी गलती नहीं, गलती हमारी है कि आपको हम बेहतर ढंग से नहीं समझाया। तो आइए थोड़ा सा साइक्लिक परमुटेशन समझा करके लेते हैं विदा, फिर अगले टॉपिक 1.4 जिसे मैथमेटिक्स का सार कहा जाता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा, यानी आपको सिखाने जाने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन, यानी उससे पहले ग्रुप वाइड, सेमी ग्रुप, मोनॉइड सेमी ग्रुप,
तो वो सब वर्ड आपको डिफाइंड होने वाला है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा साइक्लिक परमुटेशन को मैं समझा दूं, तो साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है? तो आओ हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन सबसे बन जाएगा ना, बना लेना भाई, कमेंट करके हमें बता भी देना कि सर बन गया, या अगर तुमको 8 नंबर क्वेश्चन नहीं बना या जो भी नंबर नहीं बना उस पर डिस्कशन भी मैं कर दूंगा, क्योंकि इसके लिए ही तो आपके साथ मिलता हूं ना। अब देखो तुम्हारे पास 1 2 3 का परमुटेशन क्या होगा, तो पहले तो 1 2 3 ही रह जाएगा। अब 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2 और 3 2 1, यानी इसकी टोटल परमुटेशन बना 6। तो अगर हम P1 की बात करें ना, यहां 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3 एक परमुटेशन ये बन गए। P2 की हम बात करें, 1 2 3, 1 3 2। P3 की हम बात करें, 1 2 3, 2 1 3। P4 की हम बात करें, 1 2 3, यहां 2 3 1। P5 के बात करें, 1 2 3, 3 1 2। और P6 की बात करें, 1 2 3, 3 2 1। ये बात समझ में आ गया यार? बिल्कुल सर, आपने तो लिखा है, अभी तो समझा समझाने की बात, क्या क्या गया सर? अब गौर से देख मेरे भाई, P3 कॉम्पोजिशन P4, यानी P3 की वैल्यू यहां पर रख दो, रख दिया, यहां पर P4 का वैल्यू रख दो। बोला सर रख दिया, हमने रख दिया तो वेट करो, रिजल्ट भी तुम्हारा होने वाला है। बोला कैसे सर, हम देखो P3 कंपोजिशन P4 है, तुमको लगेगा कि P3 P4 के पास जा रहा है, ना ना ना, P4 P3 के पास आ रहा है। तो देख यहां पर 1 2 3 लिख दिया, 1 गया 2 के पास, टू गया 1 के पास तो 1 हो गया, टू गया 3 के पास, और यहां पर 3 3 के पास जा रहा है, बिल्कुल यानी 3 हो गया, और 3 गया 1 के पास, 1 गया 2 के पास, ये देखो रिजल्ट कहां पर है, 1 3 2, 1 3 2 P2 है, यानी रिजल्ट P2 हो गया। समझ में आया? अब तू कहेगा कि सर एक दूसरे का इनवर्स कहां है, तो देख बाबू ये तो पूरा शिवलिंग है, तो ना एक दूसरे का इनवर्स के करो ना बनाए, एकरा में भी देखो 1 1 मिलल बा ये भी ना बनाएगा, एकरा में भी 3 3 मिलल बा नो बनाएगा, P4 में बनाएगा। और लिखेंगे कैसे इस पर बात करेंगे, क्योंकि हम तो बात करते रहते हैं ना, ये यानी एक दूसरे का इनवर्स है, यानी एक दूसरे का इनवर्स लिखने का क्या शॉर्टकट तरीका है सर जी? हाँ जी, दुनिया में सब चीज का मैं शॉर्टकट बनाया है। अब ये मत बोलना खाने का, न तो दाल भात चोखा भुजिया अचार दही रहेगा, हम तो बोलेंगे कटोरा ले लो सब में उसमें मिला दो। अब पापड़ को उसमें मिला दोगे तो पापड़ का स्वाद देखेगा, परपर नहीं ना करेगा, इसलिए कहूं कहूं हम बड़ा फेलुअर आदमी। यहां पर 1 2 3 है, तो देखो इसका इनवर्स लिखने के लिए इसको साइक्लिक करवाओ, कि 1 से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर 2 कर दो, 2 3 1 एक हो गया, और दूसरा यहाँ पर देखोगे 1 2 3, 3 से स्टार्ट होगा, यहाँ 3 2 1 हो गया, एक दूसरे का इन ए 2 3 1 हुआ हुआ ना, यहाँ पर 3 1 2, 3 1 2 एक दूसरे का इनवर्स हो गया। अब बोला सर मैं 4 के लिए क्या कर सकता हूँ, उंगली कौन रोक सकता है तुम्हें, जब तुम यहां पर तुम सीख गया तो कोई भी क्वेश्चन को कोई नहीं रोक पाएगा, रोकने वाली की व्यवस्था होनी चाहिए ना।
तो ये देखो एक दूसरे का है भाई। अगला यहां पर 1 2 3 4 कर दिया, यहां पर 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अगला हम लोग को बात करेंगे ना, 1 2 3 4, यहां पर 4, 1 2 3। गौर से मेरे देखो मेरे भाई, 1 गया 2 के पास, 2 गया 1 के पास, एक दूसरे का इनवर्स है, ये अपने आप का इन्वर्स है, यानी इवन डेटा रखने पर एक डेटा ऐसा मिलेगा जो अपने आप का इन्वर्स होगा। समझ में आया क्या? एक्सरसाइज बना लोगे? मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसका क्वेश्चन आंसर का कराऊंगा और 1.4 लेके आऊंगा, मैथमेटिक्स का सार, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, कैसे बनाओगे सेमी ग्रुप, एबेलियन सेमी ग्रुप, मोनॉइड कैसे बनाओगे, एबेलियन मोनॉइड कैसे बनाओगे, ग्रुप कैसे बनाओगे, एबेलियन ग्रुप कैसे बनाओगे, रिंग कैसे बनाओगे, एबेलियन रिंग कैसे बनाओगे, फील्ड तुम्हारा कैसा होगा, ये लेके आ रहे हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत दे दीजिए आप लोग, नमस्कार।